हेलो एवरीवन, सॉलिड वर्क के नए ट्यूटोरियल में हम लोग आज जानेंगे कैसे हम लोग कोई भी बोतल को डिज़ाइन करते हैं विद सरफेस पे, कैसे नए नए प्रोफाइल को डिज़ाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग एक पेट बोतल पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मेरा सॉलिड वर्क का यूजर इंटरफेस है। हम लोग फ्रंट प्लेन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच क्लिक करेंगे। स्केच कमांड में जाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और इस तरह ओरिजिन से इस तरह हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे क्लिक करेंगे और इसे रेफरेंस में फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देंगे। ये करने का मकसद मेरा बेसिकली क्या है कि ये लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने से ये मेरा रेफरेंस मिलेगा प्रोफाइल बनाने में। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना, अभी जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ वो मेज़रमेंट किया जा चुका है वाटर बोतल का, तो मेरे पास डायमेंशन है, मैं उस डायमेंशन की मदद से बना रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका इस रेक्टेंगल का डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर लाइन है वर्टिकल, ये 212.5 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका जो डिस्टेंस होगा वो 30.5 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद यहाँ से हम लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इस तरह ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल देन अगेन वर्टिकल। अब यहाँ पर देखो कि ये लाइन को मैं इस तरह मूव किया हूँ, फिर बैक जाऊँगा, वापस जाने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड मूव करूँ, तो ये हमारा लाइन ना आर्क में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा आप यहाँ पर रैंडमली क्लिक कर दोगे, फिर आगे आप मूव करोगे तो ये लाइन आपका फिर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं स्मार्ट डायमेंशन प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं इसका 12.5 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मैं 14 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। 14 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से आप 0.5 यानी 500 माइक्रोन वैल्यू आप पुट करोगे। अगेन यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे और ये वर्टिकल लाइन का जो डिस्टेंस है लेंथ है वो यहाँ पे मैं 6 मिलीमीटर वैल्यू पुट करूँगा। पुट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग ये आर की जो रेडियस है यहाँ पर 45 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। जब आप 45 मिलीमीटर वैल्यू पुट करोगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि फिर से वापस आप मूव करके लाओगे और यहाँ पे इस तरह लाओगे। ये लाने के बाद आप ये पॉइंट और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है 57.5 पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद अब यहाँ से अगेन लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इससे पहले हम इसका रेडियस प्रोवाइड करेंगे। तो रेडियस यहाँ पे मैं इसे 200 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। जब 200 वैल्यू हम पुट कर देंगे उसके बाद यहाँ से अगेन हम लाइन कमांड लेंगे, आगे मूव करेंगे, बैक जाएंगे, फिर ये हमारा आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम यहाँ पर इस लाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करेंगे और ये आर्क क्लिक करेंगे और ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्लिक करेंगे। दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वहाँ पे हम टेंजेंट पुट करने के बाद ओके कर देंगे। ये टेंजेंट रिलेशन ये ले चुका है हमारा। अब भी मेरे को यहाँ पे ना इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को कितना डिस्टेंस रखने का है। मैं 26.5 मिलीमीटर यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देखो कि स्केच यहाँ तक तो मेरा फुली डिफाइन हो चुका है। अगेन यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इस तरह यहाँ से ड्रॉ करेंगे, अगेन यहाँ से वर्टिकल आएंगे, अगेन फिर इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ तक आएंगे, पूरा इंड तक नहीं जाना है, उसके बाद क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर के जो डायमेंशन है वो प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इसके बीच के जो गैप है हमारा वो
1.1 मतलब 1 mm 10 माइक्रोन, टेन इंच, हम लोग यहाँ पर 100 माइक्रोन बोलेंगे इसे। इसके बाद ये जो इसकी हाइट है ये यहाँ पर मेरे को 40 मिलीमीटर वैल्यू पुट करना होगा। 40 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद अब देखोगे कि इसका ब्लैक हो चुका है, यानी फुली डिफाइन हो चुका है, बट आगे मुझे अभी भी करने का है काम। लाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे, फिर इस पॉइंट से आगे की ओर ड्रॉ करेंगे, फिर बैक जाएंगे और ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह ड्रॉ करोगे, आप इसे मूव जूम करने के बाद फिर अगर ये वापस जाएंगे हम लोग, ये फिर ये यहाँ से आर्क कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे लाइन को, फिर बैक जाएंगे, फिर हमारा यहाँ पर ये आर्क में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर डायमेंशन बड़े हिसाब से देना होता है। सबसे पहले मैं शिफ्ट के साथ ये कंस्ट्रक्शन लाइन को क्लिक करूँगा और टेंजेंट रिलेशन पुट करेंगे। आइए डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो रेडियस होगा यहाँ पर 45 मिलीमीटर पुट करेंगे। 45 वैल्यू पुट करने के बाद इसके और इस दोनों पार्ट के बीच जो गैप होगा वो यहाँ पर 25 मिलीमीटर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अगर उसके बाद ये जो हमारा आर्क है इसका जो रेडियस होगा 6 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। 6 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पर आप इस ओरिजिन और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 7.5 मिलीमीटर वैल्यू पुट करोगे। 7.5 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद अब इसका जो रेडियस है वो आपको डिफाइन करना है। इसका रेडियस 25 मिलीमीटर हम लोग पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद अभी आपको सिंपल यहाँ से लाइन कमांड एक्टिवेट करना है और इस पॉइंट से सीधे क्लिक करके आपको ले जाकर इस पॉइंट से मैच कर देना है। मैच करने के बाद अभी आपको फीचर में जाना है, रिवॉल्व बॉस बेस कमांड को एक्टिवेट करना है और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इस लाइन को बताना है आपको, और 360 कंडीशन क्या ब्लाइंड, ओके करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका प्रोफाइल रेडी हो चुका है। अभी क्या है, इसमें बहुत सारा प्रोफाइल हमें परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले बेस का हम लोग करते हैं। तो बेस करने के लिए सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे, स्केच कमांड में जाएंगे। स्केच कमांड में जाने के बाद आप यहाँ से सेंटर लाइन लोगे और यहाँ ये पॉइंट से आप इस तरह ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन और ये लाइन के बीच की, सॉरी ये शायद नहीं क्लिक कर पाया था, ये हमारा जो लाइन है और ये कंस्ट्रक्शन लाइन के बीच जो एंगल होगा वो यहाँ पर हम लोग 123 पुट करके सिंपली छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हम लोग यहाँ पर 20 मिलीमीटर वैल्यू पुट करते हैं। 20 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद आप करोगे फीचर्स में जाके, रेफरेंस पॉइंट में जाके, सबसे पहले एग्जिट मारो कमांड से, स्केच कमांड से एग्जिट कर लो। एग्जिट करने के बाद आप फीचर्स में जाओगे, रेफरेंस में जाओगे, प्लेन पे क्लिक करेंगे। प्लेन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट रेफरेंस पूछेगा तो आप ये लाइन पे क्लिक करोगे। सेकेंड रेफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक हो गया तो आप ये पॉइंट का क्लिक करोगे। यहाँ पे एक नया प्लेन हमारा जनरेट हो चुका है। अब ये प्लेन जनरेट हो गया, अब इस प्लेन पे क्लिक करना है, स्केच कमांड में जाना है। अभी यहाँ पर आपको एक लाइन कमांड एक्टिवेट करना है यहाँ से और इस तरह का ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ करने के बाद आप वापस मूव करोगे, ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह यहाँ से कर लोगे। उसके बाद आप कोशिश करोगे कि ये पॉइंट और ये आर्क मेरे को नॉर्मल करना पड़ेगा, यहाँ से नॉर्मल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को करने प्रॉपर यहाँ पे से ओरिजिन मिल रहा है मेरे को,
अभी यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ से इस तरह। ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में ऐड करना है मेरे को। करने के बाद अब यहाँ पे हम सभी को वन बाय वन क्लिक करेंगे और सिमेट्रिक लेसन में ऐड कर देंगे। जब आप सिमेट्रिक लेसन ऐड करोगे तो यहाँ पे इसमें टेंजेंट लेसन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी टेंजेंट रिलेशन हम लोग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन प्रोवाइड करना है, जो इसका डायमेंशन होगा रेडियस वो यहाँ पे हम 3 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। 3 मिलीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। उसके बाद मिलाने के बाद अभी आप यहाँ से ये पॉइंट के बीच की जो गैप होगा 20 मिलीमीटर वैल्यू पुट करोगे। उसके बाद आप ये गैप और ये ओरिजिन के बीच की जो गैप है एक मिनट नॉर्मल करना पड़ेगा मेरे को। अभी यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट हो चुका है और ये एक मिनट मेरे को यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा और इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो हमारा यहाँ पर देख रहे हो ये जिस पे क्लिक करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद इस एज को हम कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है 2.8 मिलीमीटर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अब यहाँ पे हम ये लाइन और ये सरफेस को टेंजेंट रिलेशन में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखोगे कि आपका अब यहाँ पे आपको इसके बीच की जो एंगल है वो डिफाइन करना बचा हुआ है, इसलिए मेरा स्केच जो फुली डिफाइन नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर आप 45 मिलीमीटर वैल्यू पुट कर दोगे। उसके बाद अभी यहाँ पर आप करोगे क्या कि यहाँ से आप एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के बाद आप प्लेन वन को हाइड कर दो। प्लेन वन को हाइड करने के बाद आप सिंपली इस तरह नॉर्मल करोगे। नॉर्मल करने के बाद फ्रंट पे जाओगे, यहाँ से फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे, स्केच कमांड में जाएंगे। स्केच कमांड जाने के बाद और यहाँ से 3.R को एक्टिवेट करेंगे और इस तरह हम लोग 3.R को क्लिक करके जब ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप फ्रंट प्लेन पे क्लिक करना है। जिससे मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 3.R को लेंगे यहाँ से और पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर में इस तरह क्लिक करके हम लोग नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद एक रिलेशन ऐड करना है, ये जो आप देख रहे हो पॉइंट और ये हमारा ओरिजिन को वर्टिकल रिलेशन में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ये पॉइंट और इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो पियर्स ये ऑलरेडी मिड ले चुका था, अब मैं रिलेशन ऐड कर दिया हूँ। अब मैं इस पॉइंट और इसके बीच के रिलेशन ऐड करूँगा ना, पियर्स वो ले लेगा, ले लिया पियर्स। उसके बाद फिर नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद अब भी हम लोग इसका गैप कंट्रोल कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करने का नहीं होता यहाँ पर। अभी सिंपली यहाँ से एग्जिट कर लेंगे हम लोग।
एग्जिट करने के बाद अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे स्विफ्ट कट, स्विफ्ट कट कमांड को एक्टिवेट करना है। उसके बाद अभी यहाँ पर प्रोफाइल में मेरे को ये प्रोफाइल बताना कि ये हमारा प्रोफाइल है, और पाथ में मेरे को ये पाथ बताना कि इसे पाथ से अभी आपको कट करना है। तो यहाँ पर ये उस पाथ के अकॉर्डिंग ये क्लिक करने पर हमारा प्रोफाइल को कट कर देगा। अब देख रहे हो ये प्रोफाइल मेरा कट हो चुका है। उसके बाद इसको आप हाइड कर दो। अब यहाँ पर आप इसमें रेडियस प्रोवाइड कर दो। फिलेट कमांड एक्टिवेट करेंगे हम लोग। फिलेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद 5 मिलीमीटर यहाँ से हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे, जो कि सभी एजेस में 5 मिलीमीटर हमारा रेडियस प्रोवाइड हो जाएगा। क्लिक कर देंगे सिंपली, जब प्रोवाइड हो जाएगा उसके बाद अभी मेरे को ना जाना पड़ेगा पैटर्न पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फीचर्स में, सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक करेंगे। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक करने के बाद डायरेक्शन जो होगा मेरा, ये मैं कैप का ये सिलेंड्रिकल फेस को क्लिक करूँगा, और यहाँ फीचर्स एंड फेसेस में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से ये कट बॉडी और ये फिलेट बॉडी दोनों को क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसे 5 नंबर ऑफ पैटर्न करना है हमें। 5 पर क्लिक करेंगे। 5 पे क्लिक करने के बाद अभी आप ज्योमेट्री पैटर्न को अनचेक करोगे, अनक्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि इस तरह का प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। पैसे जब आप अप्लाई कर दोगे, सर्कुलेट कर लोगे, उसके बाद अभी आपको फ्रंट प्लेन पे क्लिक करना है। स्केच कमांड में जाना है। स्केच कमांड में जाने के बाद यहाँ से आप एक लाइन लोगे इस तरह। लाइन लेने के बाद इस तरह, लाइन लेने के बाद इस तरह ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद इस तरह का हम लोग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये इंक्लाइन लाइन में कुछ ज़्यादा ही दूर में कर दिया हूँ, कोई नीचे मुझे स्केच को मूव करना है नीचे की ओर, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अभी यहाँ से आप इस तरह इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर इस तरह ड्रॉ करेंगे हम लोग। ड्रॉ करने के बाद हम लोग उधर में नहीं जाके, हम लोग इधर से यहीं से हम लोग प्रोफाइल को ऐसा करेंगे, ड्रॉ करेंगे इधर में। ड्रॉ करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे इसे मिला देना है। मिलाने के बाद अब डायमेंशन देने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले आप इसके जो बीच की जो ये वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है, ये यहाँ पर 2 मिलीमीटर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और ये इसकी जो गैप है इसे यहाँ पे हम लोग इसे अभी हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफाइन करने की भी नीड नहीं हम लोग को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे, और ये और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगा मेरा यहाँ पर 2.25 हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद अभी इसका जो गैप होगा हम लोग यहाँ पर 1.75 वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अब देख रहे हो कि ये हमारा प्रोफाइल, उससे पहले आप करोगे क्या कि ये जो हमारा बॉडी है और इसके बीच जो गैप है, अभी आप करोगे क्या कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो ये सरफेस का जो एज है इसे लाइन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी ये तो अभी हो नहीं रहा है। कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे और ये से हम कन्वर्ट, सॉरी फेस क्लिक हो गया मेरा, कन्वर्ट पे क्लिक करना होगा। सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, ये स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करेंगे और जहाँ पे हम लोग 75 डिस्टेंस वैल्यू पुट कर देंगे।
75 मिलीमीटर में वैल्यू पुट कर दिया हूँ, बट यहाँ पे मेरे को 0.75 वैल्यू पुट करना है। उसके बाद अब देखोगे कि यहाँ से इसमें टच हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसके जो गैप है 1.75 वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद और यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है 1.75 पुट करेंगे। पुट करने के बाद अभी इसका एंगल डिफाइन करना बचा हुआ है, तो हम लोग इसका एंगल डिफाइन करेंगे 30 डिग्री मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन करूँगा। डिफाइन करने के बाद अभी आप जब ये मेरा एंगल डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद जो ये हमारा जो ये लाइन है इसका जो डिस्टेंस है 7.75 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। जब ये मेरा पुट हो जाएगा तो देख रहे हो अब यहाँ पे स्केच मेरा फुल्ली डिफाइन हो चुका है। जब स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा तो हम यहाँ से स्केच फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से हम सब पे चैम्फर वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो 0.5 क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ से हम लोग अब यहाँ पे अपना जो फिलेट प्रोवाइड करोगे 1.7 वैल्यू पुट करने के बाद, उसके बाद यहाँ आप क्लिक करोगे ये फिलेट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे। इतना प्रोफाइल आपको ध्यान देना है कि आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे और ये सेंटर जो हमारा टेम्पोरी जो लाइन है टेम्पोरी सेंटर लाइन उसे एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप फीचर्स में जाओगे, रिवॉल्व बॉस पेस में जाओगे। जाने के बाद एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ये हमारा टेम्पोरी लाइन को क्लिक करेंगे और इस तरह आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटर रिवॉल्व हो जाएगा बॉडी हमारा प्रोफाइल, तो ओके करेंगे। ये मैं मर्ज इससे कर लेता हूँ, बट अभी सब मर्ज मत करो क्योंकि जब सेल करोगे तब मर्ज रहेगा तो इधर भी सेल भागेगा, तो सेल नहीं करना अभी मेरे को, मर्ज नहीं करने का है, तो अनमर्ज करने का है और ओके करने का है हम लोग को यहाँ पर। अब उसके बाद इसके आप हाइड कर दो, हाइड हो जाएगा। 3.8 लेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना प्रोफाइल होता है, तो मैं सिंपली अपना नॉर्मल समझाने के लिए प्रोफाइल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे मैं 30 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे और इसके बीच की जो गैप है यहाँ पे मैं 30 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। और इसके बाद जो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसके बीच के जो हाइट है यहाँ पर 35 मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे। स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब सिंपली हम फीचर्स में जाएंगे और अंदर जाएंगे स्प्लिट लाइन में। स्प्लिट लाइन पर जाने के बाद करंट स्केच को क्लिक कर चुका ऑलरेडी, बस मुझे यहाँ पे फेस बताना है और ओके करना है। आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ये हो चुका है इस तरह करके, है ना। अब हम यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, स्केच में जाएंगे, 3D स्केच पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग करके इस तरह हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे। ये हमारा लाइन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर हम फीचर्स में जाएंगे और स्विफ्ट कट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्कुलर प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मेरे को 2 mm का कट करना है, तो मैं 2 mm यहाँ पर 2 mm या मैं यहाँ पर 3 mm का प्रोफाइल कट कर लेता हूँ।
यानी 1.5 का इसका रेडियस हो जाएगा हाफ अंदर का। आप देख रहे हो इस तरह कट गया मेरा। अब मैं यहाँ पर फिलेट प्रोवाइड कर दूंगा दोनों कॉर्नर पे, इधर भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 mm का मैं रेडियस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पर प्रोफाइल हम बना चुके हैं। अभी प्रोफाइल को हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न पे लीनियर पैटर्न पे जाकर, लीनियर पैटर्न पे जाने के बाद यहाँ से आई बटन में क्लिक करके टेम्पोररी एक्सेस को शो करके यहाँ पर डायरेक्शन टेम्पोररी एक्सेस पे क्लिक करेंगे, और मेरे को जो यहाँ पे फीचर्स एंड फेसेस है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और कट और यहाँ पे फिलेट दोनों को साथ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और नंबर ऑफ फेसेस 6 ठीक है मेरा। अब सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप देखोगे किस तरह का प्रोफाइल हमने बॉडी पर कैसे बनाया हूँ, आप लोग देख रहे हो। अभी डिफरेंट टाइप का हम लोग प्रोफाइल इस पर दे सकते हैं, वो अपना कंपनी अपने हिसाब से नए मॉडिफिकेशन पर डे करते रहता है, तो उसका अलग अलग टेक्निक है, तो आप जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस फेस पे फिलेट प्रोवाइड करें, इसके लिए हम फिलेट कमान में जाएंगे, और यहाँ पे मेरे को 1 mm का, और ये बॉडी पे भी 1 mm का मैं थिकनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 mm क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद अब सिंपली यहाँ से फिलेट कमान में जाएंगे अगेन, और 500 माइक्रोन मतलब 0.5 mm वैल्यू यहाँ पे हम इस सरफेस पे इनसाइड एज पर करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पर इनसाइड एजेस को क्लिक करेंगे, 500 माइक्रोन यहाँ पे फ्लेट प्रोवाइड करेंगे। ये हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली हम इस पे इसे फिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि सेल ना करूँ, अभी मैं सेल करने से पहले मैं इस पे मेरे को सेल यहाँ पे कर देना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर हम थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो सेल कमांड में जाएंगे, यहाँ पर 0.65 एंड देन यहाँ पर 0.75, मतलब मैं वेरिएबल थिकनेस चाहता हूँ देने के लिए फेस पे, ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मतलब ऑल बॉडी 0.5 mm थिकनेस रहेगा, और ख़ास पोजीशन पे मैं यहाँ पर 75 mm का थिकनेस प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए मैं इसे क्लिक किया हूँ, ओके कर देंगे, मेरा बॉडी अब सेल हो जाएगा। अब देखोगे कि यहाँ पर मेरा बॉडी सेल हो चुका है, इस तरह का मेरा प्रोफाइल मेरा रिब्स क्रिएट हो चुका है। अब इस पर थ्रेड हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे इस पर, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये प्रोफाइल बनाने के बाद अब लोग हम लोग यहाँ पर थ्रेड बनाएंगे, तो थ्रेड के बनाने के लिए हमें यहाँ पर फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस प्लेन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फेस पे क्लिक करेंगे और फ्लिप में जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पर ना 1.5 mm मेरे को नीचे की ओर चाहिए प्लेन, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे नया प्लेन मेरा जनरेट हो चुका, प्लेन नंबर 2। अभी क्या इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर करके वीडियो को सीखेंगे, तो वीडियो में इन तक बने रहे। जनरेट कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली फ्रंट प्लेन पे क्लिक करना है, स्केच कमांड में जाना है। स्केच कमांड में जाने के बाद यहाँ पे आपको जूम करके एक लाइन आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा,
उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन लेंगे हम लोग, इस तरह से मिड से मिला देंगे। मिलाने के बाद से हॉरिजॉन्टल लेसन में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 में 2.23 है, 22.23 वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद और यहाँ पे इसके और सॉरी मेरे को ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 1.15 mm वैल्यू पुट करेंगे। 1.15 mm वैल्यू पुट करने के बाद अभी ये हम लोग इसका डिस्टेंस हम लोग 1.5 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग इसे ड्रैग करके इसे यहाँ ला के इसे मर्ज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो हाइट है वो डिफाइन करेंगे। 1.5 ऑलरेडी ले चुका है हमारा, स्केच फुली डिफाइन हो गया हमारा। सिंपली अब एग्जिट करना है हमको यहाँ से कमांड से। फीचर्स में जाना है, यहाँ से फीचर्स में जाने के बाद आप यहाँ से स्विफ्ट बॉस पेस कमांड को यूज करोगे और ये प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सिंपली ओके करेंगे। हम लोग इसको हाइड करेंगे हेलिक्स को। हेलिक्स को हाइड कर लेंगे। हेलिक्स हाइड होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग फिलेट में जाके चैम्फर प्रोवाइड करेंगे। दो एमएम का चैम्फर सही होगा यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए। और आई थिंक ज़्यादा है, 1 mm भी सही है, 1 mm परफेक्ट है। और 1 mm चैम्फर में यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद फिलेट कमांड में जाएंगे। फिलेट कमांड में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग .200 micron का रेडियस एजेस पे प्रोवाइड करेंगे। फेस क्लिक हो गया बट यहाँ पे डिलीट करेंगे इसे। ओके करेंगे यहाँ से हम लोग। यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब देख रहे हो कि यहाँ पे मैं किस तरह प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा बोतल जो है वो रेडी हो चुका है। इस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो अलग अलग सारे प्रोफाइल बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक नया प्रोफाइल बनाऊंगा। वो प्रोफाइल बनाने के लिए मुझे फ्रंट प्लेन पर क्लिक करके स्केच के मन में जाने के बाद इलिप्स को एक्टिवेट करके यहाँ पे इस तरह हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो भी डायमेंशन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। डायमेंशन के लिए स्मार्ट डायमेंशन का यूज करेंगे और इसके टॉप से लेके इसके सेंटर की डिस्टेंस होगी वो मैं यहाँ पर जो भी सूटेबल होगा वो पुट करूँगा। तो यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है तो 49 क्लिक हुआ, मेरे को 49.5 चाहिए। तो यहाँ पे मैं 49.5 वैल्यू पुट करूँगा। पुट करने के बाद अब इलिप्स का जो भी डायमेंशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करने के बाद दोनों पॉइंट के बीच की जो गैप है वो 5 mm वैल्यू हम पुट करेंगे। 5 mm वैल्यू पुट करने के बाद ये
अब मेरे को यहाँ पर हॉरिजेंटल से वर्टिकल जो भी है, वर्टिकल से 11.49 है, बट यहाँ पे मैं 10 mm वैल्यू पुट करूँगा। 10 mm वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पर हालांकि इसके स्पेसिफिक डिफाइन नहीं हुआ है, फीचर्स में जाऊँगा और प्रोजेक्ट कर्व से मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा अपने सरफेस पे। इसके स्प्लिट डिफाइन करने के लिए मेरे को वहाँ पर ना सेंटर ओरिजिन से और उसको सेंटर को मेरे को अलाइन करना था वर्टिकली, बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे मैं फीचर्स में जाके प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पर स्विफ्ट कट का करने से पहले मेरे को यहाँ पे स्विफ्ट कट करने से पहले मेरे को यहाँ पर स्केच कमांड में जाके 3D स्केच में जाके और ये जो मेरा उस प्रोजेक्ट हुआ हुआ जो बड़ी है उसको मैं लाइन में कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट एडिटिस कर लेंगे। उसके बाद अब इसे हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद अब यहाँ से हम स्विफ्ट कट कमांड को एक्टिवेट करेंगे। स्विफ्ट कट एक्टिवेट कमांड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सर्कुलर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, मैं को यहाँ पर 2 mm आई थिंक बेटर नहीं, 1 तो सही है बट कम लग रहा है मेरे को, एक साथ मैं एक ही प्रोफाइल को क्लिक करूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 प्रॉपर तो ठीक नहीं लग रहा, बट 1 mm क्लिक करता हूँ यहाँ पर, मैं सही है 1 mm ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे से फिलेट प्रोवाइड कर दूँगा इसके इस पर, तो फिलेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर जो भी है मेरा सारे पेज है वहाँ पर 2.2 mm मतलब 200 माइक्रोन यहाँ पे हम फिलेट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद अब इसे मैं मिरर कर दूँगा, मिरर सर्कुलर पैटर्न पे लाके रिवॉल्व सर्कुलर पैटर्न पे लाके इसे हम प्रोफाइल को प्रोजेक्ट कर देंगे, सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे सरफेस पे। यहाँ से टेम्पोरेरी एक्सेस को इनेबल करके और अब देख रहे हो कि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पैटर्न जो मेरा 7 है, 7 नहीं मेरे को यहाँ पे 8 पुट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 पुट करूँगा। अब डायरेक्शन में एक्सेस देख रहे हो, मैं सेंटर जो भी मेरा टेम्पोरेरी लाइन था वो क्लिक किया डायरेक्शन में, और फीचर्स एंड फेस में मैं फिलेट क्लिक करूँगा और जो भी स्विफ्ट कट है वो क्लिक करूँगा, अब फिलेट दोनों को क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये छोटा हुआ था, क्लिक मेरा हो चुका है। अब मेरे को सिंपली यहाँ से 360 में क्लिक करके सर्कुलर पैटर्न पे प्रोवाइड करना है मेरे को यहाँ पे। अब मेरा ये हो चुका है, अब यहाँ पे मैं सिंपली इसके जो टेम्पोरेरी एक्सेस है उसे हाइड करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि कुछ छूट गया था फिलेट, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिर से बाद में मैं क्या हूँ सबको 0.2 mm मेरा हो चुका है बॉडी पे फिलेट। अब यहाँ पर ये टेम्पोरेरी लाइन को हम हाइड करेंगे। टेम्पोरेरी लाइन को हाइड करने के बाद अब यहाँ से हम इसमें जाके अपीयरेंस में चेंज करके अपीयरेंस में जाकर हम इसका जो भी कलर्स वगैरह है जो भी प्रोवाइड कर देंगे बढ़िया से। अभी ट्रैवलिंग की वजह से मेरा जो वॉइस है पूरा जाम हो रखा है, क्लियर आवाज़ मेरा नहीं निकल रहा है मेरे गला से, कोई नहीं, आप यहाँ से वीडियो को समझें और जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट करेंगे। यहाँ से हम इसका ऑब्जेक्ट का कलर प्रोवाइड कर देंगे। आप देख रहे हो कि ये उस पर कलर प्रोवाइड नहीं हुआ क्योंकि ये बॉडी मेरा मर्ज नहीं है, तो मर्ज करने के लिए आप देखो जब मैं स्विफ्ट किया था ना रिवॉल्व तो मैं मर्ज नहीं किया था, या देखो अनमर्ज है, यहाँ से मर्ज नहीं करेंगे, ये एरर क्रिएट हो जाएगा, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट एडिटिंग में जाकर और दो बॉडी को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड में जाकर क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब वीडियो को अच्छे से समझें, जहाँ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, और काफ़ी मतलब आपको इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ को भी इग्नोर करना है, मेरा आवाज़ भी ख़राब हो रखा है तो आपको फिर भी समझना है इस वीडियो को। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरा आवाज़ ख़राब हो रखा था, बट मैं सोचा कब तक मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो मैं डाला हूँ, मेरा आवाज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपीयरेंस को यहाँ से चेंज करो और इन्जॉय करो वीडियो को और बनाकर आप सीखने का प्रयास करो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग एंजॉय करें और बनाएं। जैसे झूमे धरती निरंतर, वैसे प्लास्टिक रहे उम्र भर। प्रगति के स्वर्ण जयंती पथ पर 68 से 70 तक अग्रसर। ये जहां है।